क्या न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है चीन? इस खबर के सामने आने के पीछे कुछ सैटेलाइट तस्वीरें हैं जिनके सामने आने के बाद से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। चीन में स्थित लोप नोड न्यूक्लियर टेस्ट फैसिलिटी में गतिविधियां होती नजर आ रही है। इन तस्वीरों से अनुमान लगाया जा रहा है कि चीन जल्द ही परमाणु टेस्ट करने की फिराक में है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो चीन कुछ बैलिस्टिक ड्रोन और जहाज से लॉन्च किए जाने वाले परमाणु हथियार बना रहा है जो उसकी तेजी से बढ़ती मिसाइल ताकत में इजाफा करे। ये रिपोर्ट इंटेलिजेंस एक्सपर्ट डॉक्टर रैनी के दिए गए सबूतों के आधार पर है जो पहले पेंटागन के लिए काम करती थी। उन्होंने लोप नू की सैटेलाइट इमेज की स्टडी के कई साल बाद वहां होने वाली गतिविधियों के सबूत दिए हैं। बता दें कि चीन ने 16 अक्टूबर 1964 को यहीं पर अपना पहला परमाणु टेस्ट किया था। हालांकि इन सभी दावों को चीन की एक रिपोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया और इसे बेबुनियादी बताया है। ये पहली बार नहीं है जब चीन के न्यूक्लियर टेस्ट की खबर सामने आई हो। अप्रैल 2020 में भी अमेरिकी विभाग की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि चीन ने गुप्त निम्न स्तर भूमिगत परमाणु टेस्ट विस्फोट किए होंगे। उस समय चीन ने कहा था कि वो परमाणु टेस्टों पर रोक लगाने और हथियार नियंत्रण पर संधियों की प्रतिबद्धताओं को सक्रिय रूप से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि साल 2017 तक यहाँ कुछ इमारतें थी जिन्हें अब अत्याधुनिक बिल्डिंगों में बदल दिया गया है। इनकी नई संरचनाओं में मिट्टी के ढेर और बिजली रोकने वाले बम्पर भी हैं जो इसको विस्फोट से बचाएंगे। साथ ही एक गहरा कुआं खोदने की तैयारी भी की जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, वायरल हो रही तस्वीरों में नया एयरबेस, करीब 90 फीट ड्रिलिंग रिंग और स्मोकिंग जैसी चीजें भी नजर आ रही हैं, जिसके बाद से ये अटकलें और तेज हो गई हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।